मेरा नाम फराज़ अली है, मैं लाड़काना से बिलोंग करता हूँ और अभी मैं एज़ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के तौर पे मैं फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। मैं अभी अंडर ट्रेनिंग हूँ और मेरी अटैचमेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट मलिर कराची में। अच्छा, स्पेशली जो लोग जॉब कर रहे हैं और उसके साथ CSS के एस्पायरेंट भी हैं और तैयारी भी कर रहे हैं, नो डाउट उनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड होता है, आपकी एनर्जी लिमिटेड होती है, क्योंकि जॉब पे सिर्फ जॉब पे जाना नहीं होता, आप जॉब के लिए सुबह उठ रहे होते हैं, आप जॉब के लिए तैयार हो रहे होते हैं, फिर आप जॉब पे जाते हैं, वहाँ आप 8.5-9 घंटे एज़ पर स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स आप वहाँ पर टाइम दे रहे होते हैं, फिर आप वापसी भी आते हैं उसमें भी आपका 1-1.5 घंटा, स्पेशली कराची में तो ट्रैफिक के इशूज़ होते हैं, तो आपका आपके जो दिन के जो प्रोडक्टिव 10-11 आवर्स हैं वो आपको आपके इसमें लग जाते हैं, तो इसमें आपका टाइम भी चला जाता है, आपकी एनर्जी भी चली जाती है। तो बाकी आपके पास घर जाके जो ना मगरिब तकरीबन हो जाती है, आपने डिनर भी करना होता है, थोड़ा रेस्ट भी करना होता है, फैमिली को भी टाइम देना होता है, तो आपके पास निस्बतन जो है वो 2-3 आवर्स बच जाते हैं पढ़ाई के लिए। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे साथ भी कुछ यही हाल था। मैं स्टेट बैंक में जॉब कर रहा था, उसके दौरान ही मैंने सारे अटेम्प्ट्स दिए हैं CSS के भी और PCS के भी। तो जॉब भी एक तो टफ़ थी, प्रॉपर टाइम देना पड़ता था वहाँ पे। सुबह 7 बजे मैं उठता था, 8 बजे तक तैयार होकर मैं ऑफिस के लिए निकलता था, 9 बजे वहाँ पे रिपोर्ट करना होता था, बायोमेट्रिक अटेंडेंस का सिलसिला होता था, 9 to 5:30 तक जॉब होती थी, कभी कभी लेट सिटिंग भी हो जाती थी। तो उसके बाद जब मैं 5:30 बजे घर से निकल रहा होता था तो ऑफिस स्टेट बैंक का जो है वो आया चंद्रीका रोड पर, वहाँ पर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होता है, तो घर आते आते 7 बज जाते थे। फिर आधा पौना घंटा 1 घंटा चेंज किया, फ्रेश हुए, डिनर किया, तो उसमें लग जाते थे। फिर मैं कोशिश करके अपने आप को बाउंड करके कि अब पढ़ाई को भी टाइम देना है, टाइम निकल रहा है, तो 2-3 घंटे में फिर स्टडी ज़बरदस्ती भी कर लेता था। बाकी फिर जो वीकेंड होता था उसको मैं फुल यूटिलाइज़ करता था, उसमें मुझे मेरे साथ टारगेट सेट हुए होते थे कि इस वीकेंड पे मुझे फलाना फलाना चीज़ें कवर करनी है, तो वो मैं पूरी कवर करने की कोशिश करता था। उसके साथ साथ अगर किसी दोस्त के साथ कोई एरियाज़ या कोई इश्यूज़ डिस्कस करने का भी टाइम हुआ रखा हुआ होता था तो उनके साथ भी डिस्कस कर लेता था, और मैं कोशिश करता था कि मैं ऐसी कंपनी में रहूँ, दोस्त मेरे ऐसे हों जिनके साथ मैं टाइम गुजारूँ, जो खुद एस्पायरेंट हों, इस मरहले से गुज़र रहे हों, वो तैयारी कर रहे हों, क्योंकि वो जो आपके ये दोस्त प्रिपेयरिंग फ़ेज़ में होते हैं ना, वो काफ़ी इन होते हैं चीज़ों में, वो आपको आपके साथ काफ़ी सारी चीज़ें जो उन्होंने पढ़ी हुई होती हैं वो भी शेयर कर रहे होते हैं, और उनके पास मटेरियल भी होता है और आपके पास भी वो चीज़ें होती हैं, तो जब आप वो एक्सचेंज करते हैं तो वो काफ़ी जो है ना उसका मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट होता है। तो इस तरह से मैंने जो है वो अपनी तैयारी को विद माई जॉब मैंने मैनेज किया।